दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोग आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग की स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है। हम लोग का घर को हड़प लिया गया है। मुस्कुराहट इसलिए निकल रही है कि इतना ताकतवर होते हुए भी हम लोग का घर को हड़प लिया गया, इसलिए कि कमज़ोरी हो गई कि अब प्यार जो ज़्यादा दिखाए प्यार तो लूट जाने का पूरा खतरा होता है। भरोसा लोगों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं आजकल। मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ सोते हैं वो जगह लूट लिया, जहाँ खाते हैं उस जगह को लूट लिया, जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह को लूट लिया। चलिए दिखाता हूँ। मैं सुबह से कुछ काम नहीं कर पाई हूँ। हाँ। मेरी इतना पेंडिंग है। कैसे मेरा पढ़ने का जगह, काम करने का जगह, ये दोनों ने हड़प लिया। पहले तो ये आया, फिर ये आया, फिर दोनों मिलके पहले ये आया, इसको देख के ये आया, इसके बाद दोनों मिलके मुझे हटा दिया। अब मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ काम करूँ? देखिए, हद तो तब हो गया जब सुबह सुबह मेरा काम को डिस्टर्ब करता है ये लोग। करता क्या है कि मैं काम करता हूँ, टेबल पे आ जाते हैं, लैपटॉप को उठक, लैपटॉप में लिटरली ये जो काला वाला जो है ये सबसे बुली है, वो लिटरली क्या है, लैपटॉप में पैर मारता है, फिर देखता है कि खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ तो क्यों नहीं खा रहा हूँ, छीनना चाहता है खाने को। और उसके बाद ये सफ़ेद वाला आ जाता है और उसके बाद वो हंगामा करता है, जबकि इन लोग को ऑलरेडी हम लोग घर दिए हुए हैं, इसको फेंक दिया। जो सोफ़ा है, इस सोफ़ा को यहाँ पर इन लोगों ने हड़प लिया। सारे कपड़े वगैरह में सो जाते हैं, डस्ट फैलाते हैं, बाहर से खेल के आते हैं, पूरा डस्ट लेके आते हैं। उधर वो जो हमारा बेड है, उस बेड को भी हड़प लेता है गूगल जाकर, ब्लैक वाला, और सो जाता है। रात को बड़ी मुश्किल से उसको हटाया है हम लोगों ने। और इधर ये पड़ जाते हैं, इधर खाना में हम लोग टेबल में जब भी खाना खाते हैं आ जाते हैं, खाना में भी है। हमारे पास सारा वीडियो प्रूफ है उसका, है कि नहीं बताइए? हमारे पास पूरा वीडियो प्रूफ है उसका, वो दिखाएंगे। ये दौड़ रहा है सपने में। हट जाओ, मेरे चेयर से हटो। देख रहे हैं, धमकी देता है कैसे काटने का। अब आदमी बैठकर कैसे काम करेगा, मधुमिता कैसे काम करेगी यहाँ पर? हम लोग कहाँ जाएं? बताओ कहाँ जाएं? दर दर की ठोकर खाएं? मुंबई से भगा के रातू रांची में गिरा दिया, अब रांची से कहाँ जाएं हम लोग? नहीं, अभी अभी इसी की बात करते हैं ना, कि हम लोगों को पहले तो ऊपर वाले ने कोरोना में मार मारा और हम लोगों को रांची भेज दिया, मुंबई से हटाकर रांची भेज दिया, और रांची से उसके बाद कहाँ, सिमडेगा चले जाएं? सिमडेगा ही जाना पड़ेगा, वहीं जाकर रहना पड़ेगा, इन लोगों को यहीं छोड़ देते हैं। सिमडेगा नहीं, मैं कोलकाता बोल रही हूँ, इनका नानी घर। कोलकाता चले जाए नानी घर में? हाँ। कैसे जिएंगे मधुमिता हम लोग? तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा जगह का लूटा जाना, वो भी अपने प्यारे प्यारे बच्चों से? तकलीफ वाली, आपके बच्चे आपका घर लूट लेते हैं, ऑब्वियसली उसके डॉगी बच्चे हो, तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों का ये फीलिंग्स चलता है कि मम्मी उधर बैठती है मतलब वो लोग उधर बैठेगा मम्मी के करीब, और एविर उधर बैठता है तो गूगल का सिबलिंग राइवलरी है, वो जाके उसी जगह पे बैठेगा, और एविर का भी है जहाँ गूगल रहेगा वो भी उधर रहेगा, तो इस तरह लोगों का चलता रहता है। अभी तो ये दोनों जगह मैं कहाँ बैठूंगी पता नहीं, अगर गूगल कृपा करके मुझे जगह देगा तो मैं जाके काम कर लूँ, लैपटॉप में मेरा काम है। एक बार कोशिश कीजिए, चलिए दिखाइए, तो बैठने की कोशिश कीजिए। तो अच्छा, एक तो बता दो कि वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमारा लूटा जाना, हमारा लूटा जाना, एक जगह पे मैं काम कर रही हूँ। हाँ, खाना क्या बन रहा है अभी, आपने क्या बनाया? ये ऐसा बनाया है इन्होंने, प्याज पत्ता और शिमला मिर्च की सब्जी है। हाँ, गूगल और एविट का खाना, इसमें चिकन है, ब्रोकली है, कैबेज लीव्स है, ये न्यूट्रिला है, सब कुछ मिला के ओनली हल्दी से इनका खाना बनता है, अलग से खाना बनता है। और हम लोगों को खाने का पहले हम लोग इसको खिलाते हैं, पूरा बच्चे जैसा है हमारा। देखिए बच्चे क्या करते हैं वो देखते हैं। गूगल, ओ गूगल, मुझे पढ़ने दोगे? मुझे बैठने दोगे? मुझे काम करने दोगे? हाँ बेटा, मुझे काम करने दोगे? थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं लैपटॉप के सामने थोड़ा सा जगह दे दो, थोड़ा सा बैठने दो बेटा। मैं काम कैसे करूँगी, मैं लैपटॉप खोल के कैसे लेटर टाइप करूँगी बेटा? काम करने दो उसको गूगल। चलो ये दे, दुनिया पढ़ाई करती है बुक से, और ये बुक को पिलो बना के सो गया।
हम लोग ऐसे करते, ज्ञान ऐसे ही आ जाएगा क्या तुम्हें? उठो उठो, काम करने दो मम्मी को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, मैं बैठ के काम करूँ थोड़ा, और थोड़ा सा जगह दे दो, थोड़ा सा जगह दे दो बेटा। नहीं बैठ पा रही, थोड़ा सा जगह दे दो ना मुझे। अच्छा बेटा हो ना तुम, मेरा अच्छा गूगल हो ना, अच्छा बेटे हो ना बेटा। नहीं तो मम्मी मम्मी नानी घर चली जाएगी ना कोलकाता में, उधर जाके पढ़ाई लिखाई करेगी, तो तुम कैसे रहोगे मम्मी के बिना? रात भर की ड्यूटी करने के बाद ये लोग नींद में कहाँ रात भर की ड्यूटी करते हैं, रात भर हमारे साथ सो जाते हैं। ये तो सोते हैं। नहीं नहीं भोगता रह रहा था तो। मतलब सोते हैं, मतलब ये लोग आजकल क्या करते हैं, अभी इतना विंटर है बोल के अभी ये लोग जहाँ रहते हैं हमारे साथ ही रहते हैं, और वो लोग रात भर जागते रहते हैं, मतलब उतना नींद में नहीं रहते, मतलब थोड़ा सा आवाज़ से ये लोग जाग जाता है, और उसके बाद दिन में ये लोग सोते रहते हैं, मतलब जिसको सोना बोलते हैं। जगह देगा तू? नहीं देगा, यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है, ये जमीन का प्लॉट इन्हीं लोगों का है, सोफा का प्लॉट जो है, एरिया जो है इन्हीं लोगों का है। देखो गूगल ने तो मुझे बैठने दे दिया। कोगी रोगी जी, मम्मी को कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि मम्मी खाना खिलाती है, मम्मी का मोबाइल भी देखभाल करती है, मम्मी अगर बोला है किसी को मत देना तो पापा को भी नहीं देते हैं। गणेश है मेरा, गणेश तू, गणेश है मेरा, तू गणेश है बेटा, गणेश है। अच्छा उठा ले, अल्टीमेटली तो बेटा है कुछ कुत्ता है। कुत्ता, पिता ने कह दिया कुत्ता नहीं बोलना है उसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई कुछ भी हो, बेटा हो चाहे कुछ हो, कुत्ता है, कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं, वो मेरा बेटा है। कुत्ता है? नहीं, एक महीना से मैंने उसको पाला है। हाँ इतना, एक केजी से हम लोग इसको 20 केजी बनाए हैं। एक किलो भी नहीं था, कम था, एक किलो से कम था, एक महीने में एक किलो कहाँ रहा। ठीक है मैं काम करने जाता हूँ अपना। दोस्तों तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए हम लोगों को कमेंट बॉक्स में।